दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान सेतु पोर्टल में पुराना नंबर से लॉगिन नहीं हो रहा है तो नए नंबर से लॉगिन करने पर पुराने नंबर से बनाया हुआ आयुष्मान कार्ड का हिस्ट्री कैसे देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर कम्प्लीट प्रोसेस यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि आप यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर अपना पुराना वाला नंबर से अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है और यहाँ पर आप नए नंबर से लॉगिन किए हैं और यहाँ पर पुराना नंबर से आपका जो भी यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बना है उसका आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे तो इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऊपर ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने भी यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के न्यू पोर्टल में पुराने नंबर से यहाँ पर आयुष्मान कार्ड अप्लाई किए तो यहाँ पर आप लॉगिन नहीं हो रहा और यहाँ पर आप नए नंबर से यहाँ पर लॉगिन किए हैं तो आप पुराना नंबर का यहाँ पर हिस्ट्री कैसे देखेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना कोई एक ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है, अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप कर देना है सेतु, ये आपको टाइप कर देना है सेतु setu.pmjay.gov.in यहाँ पर देखें फर्स्ट में शो कर रहा है, इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको नीचे में आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं setu.pmjay.gov.in तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस पोर्टल में आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, आपको यहाँ पर पहले पुराना नंबर से हम यहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर शो कराए रजिस्टर और साइन इन, तो हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम बोल रहा है साइन इन करने के लिए। चलिए यहाँ पर हम अपना पुराना नंबर से यहाँ पर लॉगिन करते थे, यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फी यूजर पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर अपना पुराना नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। तो साइन इन पर क्लिक करने वाले यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नोट रजिस्टर विद दस, इधर ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पुराना नंबर से लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है, वहाँ पर बेनिफिशियरी डाटाबेस इस वी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, फिर से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है पुराना वाला और फिर यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी यहाँ पर सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर देते हैं जो मेरे फोन पर आया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है। चलिए यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर चुके, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते मेरा जो पुराना नंबर था उसी से यहाँ पर हम लॉग इन किए हैं। तो लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जितना भी आप पुराना नंबर से अगर आप यहाँ पर अप्लाई किए हैं तो वो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री यहाँ से नहीं चेक कर सकते, यहाँ पर आपका ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आयुष्मान अप्लाई या डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। और आप यहाँ पर पुराने नंबर से यहाँ पर अप्लाई किए हैं और उसका आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पर लॉन्ग आउट कर देना है। चलिए यहाँ पर हम लॉन्ग आउट कर देते हैं, फिर से आपको जो यहाँ पर नए नंबर से आप यहाँ पर रजिस्टर किए हैं उस नंबर से आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो नए नंबर से यहाँ पर हम रजिस्टर करके यहाँ पर लॉग इन करते हैं उस हिसाब में पर नए नंबर से आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉग इन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर नया नंबर जो हम रजिस्टर किए थे उसी नंबर यहाँ पर डाल दिए, फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो साइन इन पे क्लिक करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर से ओटीपी यहाँ पर आ चुका है मेरे फोन पे, यहाँ पर नया नंबर से हम यहाँ पर डाले थे। चलिए यहाँ पर ओटीपी यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर चुके, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करने बाद यहाँ पर देख सकते आपका फोटो शो हो जाएगा, यहाँ पर जो नया नंबर से आप लॉगिन किए वो नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको अगर आपको हिस्ट्री चेक करना, अगर आपने पुराना नंबर जो यहाँ पर अप्लाई किया है उसका आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको होम शो कर यहाँ पर 3 लाइन, तो 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर फर्स्ट में शो करा है PMJY SECC, इसी पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर फर्स्ट में शो करा है सर्च बाय विलेज टाउन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते PMJY SECC बेनिफिशरी, तो आप यहाँ पर जिसका भी आप पुराने नंबर से यहाँ पर अप्लाई किए तो उसका यहाँ पर कौन सा स्टेट था वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जिसका आप अप्लाई किया उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट ब्लॉक उसका सेलेक्ट कर लेना, कौन सा ब्लॉक था वो ब्लॉक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट विलेज शो करा है, तो उसका विलेज यहाँ पर क्लिक करके उसका कौन सा विलेज था जिसका यहाँ पर पुराने नंबर से आप अप्लाई किए तो यहाँ पर उसका हिस्ट्री नहीं शो करा है। तो देखने के लिए आपको यहाँ पर अपना उसका कौन सा विलेज था, विलेज जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर सर्चिंग लेना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर वेट कर लेते हैं।
वेट करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप जो पुराने नंबर से यहाँ पर जिसका भी अप्लाई किए तो उसका यहाँ पर विलेज में यहाँ पर जितना भी नाम होगा पूरा नाम शो कर देगा। अगर आप उसका हिस्ट्री देखना चाहते हैं जब आप यहाँ पर अप्लाई किए होंगे तो उसका यहाँ पर रेफरेंस नंबर आई डी का जनरेट हुआ होगा वो आप यहाँ पर डाल कर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस आई डी नंबर नहीं मालूम है तो उसका यहाँ पर नाम डाल कर आप सर्च, जैसे हम देखें यहाँ पर नाम जो हम पुराने नंबर बनाए थे उसका नाम यहाँ पर जैसे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर नाम डाल दिए, फिर आपको क्या करना है यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है। तो सर्च पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेना है। तो वहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर जिसका हम यहाँ पर अप्लाई किए थे उसका यहाँ पर देख सकते हैं उसका नाम शो करें, यहाँ पर रेफरेंस आई डी भी शो करा है, इसका यहाँ पर कार्ड भी देख सकते हैं इन प्रोग्रेस है, मतलब इसका यहाँ पर कार्ड अभी तक नहीं बना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ इसका अगर कार्ड बन जाता है तो यहाँ पर कंप्लीट शो करेगा और यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर उसका यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर पुराने नंबर से यहाँ पर जितना भी आप आयुष्मान कार्ड अप्लाई किया और यहाँ पर उसका पुराने नंबर से आप लॉगिन करते हैं तो उसका हिस्ट्री शो नहीं करता है और आप यहाँ पर नए नंबर से रजिस्टर किए हैं और उसका पुराना नंबर का यहाँ पर जितना भी आयुष्मान कार्ड बने उसका हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।